पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या के लिए कनाडा में बैठे गोल्डी ब्रार और दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई शामिल हैं। मूसेवाला की हत्या के 3 घंटे बाद गोल्डी ब्रार ने फेसबुक पर पोस्ट डालकर वारदात की जिम्मेदारी ली। उसने लिखा कि मेरे साथी की हत्या के मामले में मूसेवाला का नाम आया था, लेकिन अपनी पहुंच के चलते वो बच गया था। सरकार ने उसे सजा नहीं दी, इसलिए इस हत्या को अंजाम दिया गया है। आपको बता दें कि कनाडा में बैठा गोल्डी ब्रार लॉरेंस बिश्नोई का खास गुर्गा माना जाता है। आज इस वीडियो में बताएंगे कि ये लॉरेंस बिश्नोई है कौन। लॉरेंस बिश्नोई पंजाब के फजिलका के अबोहर का रहने वाला है। लॉरेंस बिश्नोई के पिता पंजाब पुलिस में कांस्टेबल रह चुके हैं। लॉरेंस बिश्नोई स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी यानी सोपू नाम का एक संगठन चलाता था। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में लॉरेंस बिश्नोई एक आतंक का नाम है। लॉरेंस बिश्नोई पर 2010 में हत्या के प्रयास का पहला मुकदमा दर्ज हुआ था। फरवरी 2011 में बिश्नोई पर मारपीट और फोन छीनने का मामला दर्ज किया गया। 2016 में बिश्नोई पर एक कांग्रेस नेता की हत्या का आरोप लगा। उसने फेसबुक के जरिए हत्या की जिम्मेदारी ली थी। फिलहाल लॉरेंस बिश्नोई दिल्ली के तिहाड़ में जेल नंबर 8 में बंद है। बताया जाता है कि इस कोठरी से ही वो अपना काला साम्राज्य चलाता है। दिल्ली, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल में वो अपनी आपराधिक गतिविधियों को अंजाम अपने गुर्गों से दिलवाता है। बिश्नोई का खौफ इतना है कि जेल में बंद होने के बावजूद उसके गुर्गे उसकी बात मान लेते हैं। सूत्र तो ये भी बता रहे हैं कि मूसेवाला की हत्या की साजिश तिहाड़ जेल में ही रची गई थी। आपको बता दें कि कुछ ही दिन पहले लॉरेंस बिश्नोई ने गैंगस्टर काला जठेड़ी से हाथ मिलाया था। दोनों गैंग के एक हो जाने के बाद इनके गुर्गों की संख्या 700 के पार पहुंच गई है। ये गुर्गे बिश्नोई के इशारे पर कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। बताया जाता है कि बिश्नोई का गैंग दुनिया के कई देशों तक फैला हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बिश्नोई का दूसरे अपराधियों के साथ मैक्सिको, इटली और थाईलैंड तक गैंग फैला हुआ है। बिश्नोई इन देशों में बैठे अपने साथियों के जरिए रंगदारी, ड्रग तस्करी, जमीन कब्जा और हत्याओं को अंजाम देता है। इसके निशाने पर बॉलीवुड सेलिब्रिटीज, पंजाबी सिंगर्स और एक्टर्स होते हैं। बिश्नोई ने बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान की हत्या की सुपारी तक दी थी। 2018 में बेंगलुरु से पकड़े गए बिश्नोई के गुर्गे संपत नेहरा ने इस बात का खुलासा किया था। संपत ने बताया था कि लॉरेंस बिश्नोई ने उसे सलमान खान को मारने का काम सौंपा था। हालांकि हथियार ना मिल पाने के कारण उसकी योजना सफल नहीं हो पाई थी। बहरहाल मूसेवाला की हत्या के बाद अब पंजाब पुलिस लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ कर सकती है। पंजाब पुलिस लॉरेंस बिश्नोई को तिहाड़ जेल से रिमांड पर भी लेकर जा सकती है। आपको बता दें कि अब ये जानकारी भी सामने आ रही है कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने पंजाब पुलिस से एनकाउंटर की आशंका जताते हुए NIA कोर्ट का रुख किया है। लॉरेंस बिश्नोई ने कहा है कि दूसरे राज्य की पुलिस को उसकी फिजिकल कस्टडी देने की जरूरत नहीं है, पुलिस उससे जेल में भी पूछताछ कर सकती है। प्रेजेंटिंग B News App, अवेलेबल ऑन Google Play एंड App Store। डाउनलोड इट नाउ।